दोस्तों मोबाइल गेम बनाने के लिए दुनिया में फेमस क्रिफ्टन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में दो नए गेम लॉन्च करने वाला है। दरअसल कंपनी ने इंडिया टुडे से टेक से बातचीत करके दौरान इसका अनाउंसमेंट किया। इंडिया में दो नए गेम्स को जगह मिलने वाली है, जिसमें एक डिफेंस डर्बी के नाम से लॉन्च होगा जो कि मोबाइल पर खेला जाएगा, तो दूसरा कैलेसिस्टो प्रोटोकॉल नाम से पीसी और गेमिंग कंसोल पर लॉन्च किया जाएगा। डिफेंस डर्बी के नाम के गेम को क्रिफ्टन की राइजिंग विंग्स ने बनाया है, जबकि दूसरा द कैलिस्टो प्रोटोकॉल गेम जो है वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस स्टूडियो द्वारा बनाया गया है। जहां तक कैलिस्टो प्रोटोकॉल और डिफेंस डर्बी गेम लॉन्च होने की जानकारी सामने आई, इंडियन गेमर्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन सरकार ने पबजी मोबाइल और इसके इंडियन वेरियंट BGMI पर बैन लगाया हुआ है। लेकिन अब इन दोनों नए गेम आ जाने से इंडियन गेमर्स को अनोखा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आइए आगे आपको नई लॉन्च होने वाले गेम्स के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। कैलिस्टो प्रोटोकॉल और डिफेंस डर्बी गेम को लेकर कहा जा रहा है कि ये दोनों मार्केट में पबजी और BGMI से काफ़ी अलग होंगे, जिसमें द कैलिस्टो प्रोटोकॉल गेम थर्ड पर्सन सर्वाइवल हॉरर गेम होगा जो भविष्य में 300 साल आगे के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही गेम में जुपिटर ग्रह के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा कैलिस्टो पर बेस्ड होगा, जिसमें प्लेयर्स को जैविक ली की भूमिका में देखा जाएगा। वहीं गेम के दौरान जैविक ली की भूमिका में गेमर्स को मौजूदा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा और हथियारों और गेम से मिलने वाली सुविधाओं की मदद से आगे बढ़ना होगा। बताते चले द कैलिस्टो प्रोटोकॉल को सबसे पहले जून में पेश किया गया था, जो अब सोनी प्लेस्टेशन 4, 5 सीरीज और Xbox One, Xbox Series X और Series S और PC पर आ रहा है। बात करेंगे हम डिफेंस डर्बी गेम की, तो ये एक स्मार्टफोन आधारित गेम होगा, जिसे रियल टाइम स्ट्रेटेजिक डिफेंस मोबाइल गेम भी कहा जा सकता है। इसमें प्लेयर्स किसी अदर प्लेयर्स के साथ टक्कर लेंगे। गेमर्स को पावरफुल टक्कर देने के लिए कार्ड बनाने होंगे, जिसके ऑक्शन सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। आखिर में आपको बताते चले कि इन दोनों गेम्स की जानकारी देने के साथ साथ कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि इंडियन सरकार से BGMI की वापसी को लेकर भी बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक BGMI की वापसी होती है।